आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में छात्र और सरकार ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी बीच रेलवे को भारी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। रेलवे के मुताबिक यह जो फैसला लिया गया है उससे छात्र बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और उन्होंने 28 जनवरी को देशव्यापी आंदोलन का भी इशारा कर चुका है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट मामला है इसका लगातार विरोध प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। वहीं रेलवे ग्रुप डी की सभी परीक्षा को स्थगित कर दी है। रेलवे के प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति भी बनाई है। यह समिति विरोधी छात्रों को आपत्तियां जो है वो सुनेगी और उनके विचार करने का भी फैसला करेगी। रेल मंत्रालय आगे का जो निर्णय होगा वो लेगा, लेकिन फिलहाल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है।